गुड इवनिंग एएसओएस पेरेंट्स समस्त को स्वागत करुचु। एटा प्रथम थर पर एएसओ कम टाइम पीरियड रे केमिति आमे सारी परिबा तार प्लान करुचु। मु या पूर्वरो एएसओ देथिले, एएसओ बी क्वालिफिकेशन रे हेछि, क्वालिफाई करथिले, किंतु एएसओ हेबा सहित मोर आ गोटे इंजीनियरिंग सर्विस रो जॉबटा हेजिबार मु एएसओ छाड़ी कि ओडिशा इंजीनियरिंग सर्विस रे एसडीओ अछि। तो मु जानी कम टाइम भितर केमिति आम एएसओर किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक सारी पारा से विषय में मुझे डिस्कसन करी। तो फास्ट कथा है आम डिस्कसन करवा कौन सिलेबस। सिलेबस होची एमती गोटे जिनस जोटा कि एग्जाम प्रिपेरेशन एवं एग्जाम क्वालिफिकेशन रास्ता देखे आपको। फास्ट कथा है सिलेबस आगे देखिए, सिलेबस कौन कौन इम्पोर्टेंट अच्छे देखिए, से गुड़ाक छाणी सारापर जो गुड़ा आम बचला कम टाइम पीरियड भितर भी जी आम से इम्पोर्टाट जिनस गुड़ाक कभर करे आमर मेन मेन जिनस गुड़ा कभर हो मेन जिनस गुड़ा कभर हो आमर क्वाफाई हो बहुत इजी हो जा। तो सिलेबस कौन कह सिलेबस या कह फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मार्क अच्छे 100 मार्क्स और सी टाइम देखो घंटे 30 मिनट 1.5 आवर्स। सेकंड है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जोटा कि 50-50 100 मार्क आसो सीटा भी 1.5 घंटा दे समय। सेकंड थर्ड नंबर है लांगुएज। लांगुएज दुईटा अच्छे ओडिया और इंग्लिश, ओडिया देला 100 मार्क, इंग्लिश देला 100 मार्क। तो एमती है कि आम सब इम्पोर्टाट जिनस अच्छे। लास्ट को अच्छे स्किल टेस्ट जोटा कि आम कंप्यूटर टेस्ट गोटे जोटा रोचे जो कंप्यूटर टेस्टा गोटे क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर अर्थ से खाली आप पास करदे, पास करदे से आ मार्किंग हेन कि से मार्क एड हेन पास हो गला मैंने पूरा क्वालिफाई हो गला। तो जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स देसी 1.5 घंटा, रीजनिंग इन मेंटल एबिलिटी देसी 1.5 घंटा, इंग्लीश आ ओडिया देसी 100 मार्क एवं 100 मार्क। आउ ये 100 मार्क हूँ ये घंटाटे, ए 100 मार्क हूँ ए घंटाटे। ये दुईटार समय डिस्ट्रीब्यूशन देख टे फास्ट ये है 1 आवर, ये है 1 आवर। या मीनिंग से कौन कह शह मार्क है 1.5 घंटा, ये 100 मार्क है ये 100 मार्क है घंटाटे, आ 100 मार्क है 1.5 घंटा। ता अर्थ ये कौन कह तुम्हें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो क्वेश्चन रहा है 1.5 घंटा देले भी तुम्हें टाइम सारी पार ना। जदि यहाँ दशम श्रेणी लेवल रो क्वेश्चन आसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स कहे सेटा 10th क्लास लेवल रो आसिले भी से ठीक समय सर तुमको सब जाना थी कि मुटा पारे एटा भी पारे एटा भी पारे सेम सब गुड़ा पार थो कि सब गुड़ा कला बेलू कौन हम ना समय बंची नथियो जो कि बाकी दुटा अटेंड कर हेबनी कि ये ऊपर गोटे अटेंड कर हेबनी जो कि स्कोरिंग मार्क कम हो जाए। जनरल अवेयरनेस प्रॉब्लम कौन अच्छी जनरल अवेयरनेस प्रॉब्लम टा कही दूसरी। जनरल अवेयरनेस गोटे एमती जिनस जोटा कि स्टैटिक और डायनामिक दुटा जिनस रही। जनरल अवेयरनेस टा अच्छी डायनामिक, डायनामिक अर्थ चेंजेबल हो अर्थ केवे से स्थिर नुह आउ जापर ना कि कौन टा एक्चुअली कि एवं यहाँ अच्छी 2 मिनिट 2 घंटा पर पुणी चेंज हो सीटा को डायनामिक कह। तो जनरल अवेयरनेस कहे कि यहाँ हूँ डायनामिक से यार कहीं ये बेस स्कोर करते ना तो स्कोर नपरपर जिनसटा को अल्प इम्पोर्टेन्स दवा जोटा स्कोर करीजनिंग। रिजनिंग है 10th लेवल क्वेश्चन आसो मेंटल एबिलिटी यहाँ है सहीटा कौन हम सहीटा है यहाँ कौन हम ये जिनसटा समस्त माइंड लेवलटा से मैच्योरेसन हो जाए कि ये जिनस गुड़ा कर हुए कितु यार स्कोरिंग करने कौन दरकार मेन जिनस हूँ प्राक्टिस। सब बेले जानते एवं पिलामानंकर संख्या बहुत बढ़ी जाए माने कंपिटिटर बहुत बढ़ी जाए आउ से कंपिटिटर भितर जब आम क्वालिफाई करार अच्छे ताहले हमको प्राक्टिस करने पड़ो। शुणी थो प्राक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सही कथा प्राक्टिस होची एमती जिनस जोटा कि सब बेले ही सब आड़े समस्त को हेल्प करे आउ क्वालिफाई करने बहुत सहाय करे। सेकेंड कथा है लांगुएज जो ओडिया और इंग्लीश रहा ये दुटा आपन को कौन कर ना समय बचाईदेव मार्क के कौन कहे ना समय देदेव जदि 100 मार्क को घंटाटे अच्छे ये जिनसटा
घंटाटा पूर्व सरीज पैंचाश मिनिट पूर्व भी सर शहे मार्क क्वेश्चन इंग्लीश भी सेमती है शहे मार्कटा पैंचाश मिनिट सर ये पंद्रह मिनिट बचो ये पंद्रह मिनिट बचीज जदि आम पूरा शहे रु शहे मार्क एटेम कर तो आम प्रॉब्लम कौन हम ना इंग्लीश आड़िया प्रैक्टिस बहुत दरकार जो कि एक्यूरेट आसी पार इंग्लीश आड़िया चारिटा चारिटा जो ऑप्शन रहे एत पखापाखी रहे जे सब गुड़ा सामान लगे सब सामान लगे जो कि सामान संख्या गुड़ा सामान उत्तर गुड़ाक बाछी पारना जदि बाछी पारे तो प्रोब्लम न बाछी पारे से जोड़ा भूल आसूची से माइंड को आगे सहीटा आसो कि यहाँ हिं ठीक बोली तो से कौन दरकार ना ये भी सी प्राक्टिस दरकार आ पढ़ाटा दरकार ये भी टेन्थ लेवल क्वेश्चन आसो कि तार जो समास द्वंद्व समास कौन अच्छे से जिनस गुड़ा सब ये प्राक्ट नकला पर्यटन से गुड़ा सब सामान सामान लगे आउ लास्ट को भूल एनसरटा ही मारिकी आस तो ये कौन करवाक पड़ो ना जिते पसबुल एक्यूरेट रु एक्यूरेट करने को पड़ो आक्यूरेट न कले ये पांच नंबर मुझे स्टार मार्क मारा कौन कह कौन ना भूल कले नेगेटिव पॉइंट टू फाइव मार्क कटे एक मार्क जो क्वेश्चन अच्छे कटो के पॉइंट टू फाइव तो से सतर्क रहीबार अच्छे कि मुझे जिते पसबुल ठीक उत्तर करी ऑप्शन तो जी हेल्ले भी मारिदेव किंतु आमको ठीक उत्तर करने आम कौन दरकार प्राक्टिस जिते प्राक्टिस करवा ये भी इजी क्वेश्चन ये भी टेन्थ लेवल आम टेन्थ सारे प्लस टू सारे ग्राजुएसन भी सारे आए इंग्लीश ये भी टेन्थ लेवल तो कथाटा कौन हो ना ये समस्त टिके टे जानते समस्ते जी पिला पढ़ुंट कंप्यूटर जी पढ़ुं समस्ते जानते कितु से पाखे लैकिंग कौन हो जोटा कि दे आर लैकिंग इन दिस प्राक्टिस ऑलवेज रिमेम्बर प्राक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मुझे सब प्राक्टिस कथा कहीं कौन ना यहीटा ही से जिन जोटा कि सब बड़े पिला करती ना और नक जो क्वालिफाइड हुए से आम ये सब करने सहित मेन कथा आम कौन कर प्राक्टिस प्राक्टिस कले एस जो अच्छी ए टार्गेटा क्लीयर इजिली होजिली बुझेगा तो आम कौन करवा इम्पोर्टेन्ट जिनस भितर मु फास्ट कौन करी ना जनरल अवेयरनेसटा भी पढ़ेगा कि जनरल अवेयरनेसटा को पचक रहा बिकज पचक रखा बिकज ये हम नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट से पचर रखा ताहले स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन है यहाँ हूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग तो मैथमेटिक्स रे 150 प्लस 50 ये जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 50 रहिला और मैथमेटिक्स जो 50 रहिला ए 50 टा पूरा 50 को 50 स्कोर ही पारिबो और ए 50 भी 50 को 50 स्कोर ही पारिबो एटा होचे हमर एमटी सब्जेक्ट जोटा के 100 रु 100 जने आनी पारिबो ठीक अच्छे तो या पे हमको कौन दरकार ना प्राक्टिस ही दरकार तो बाकी गुड़ा गोटे बाय वन करवा तो आम आज कौन करवा आज गोटे सब्जेक्ट पढ़ा जोटा हूँ मैथमेटिक्स एवं रिजनिंग जोटा कि पिला पिला छाड़ दिखती आसुले भी से कौन करती ना ठीक समय सारी नपरवापी यू छाड़ दिखते आज आम कौन करवा ना मैथमेटिक्स जो अच्छी मेंटल एबिलिटी तार आ रिजनिंग इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट गुटा सर जोटा कि आमको 100 रु 100 मार्क स्कोर करने को हेल्प कर बुझेगा तो मैथमेटिक्स जो सिलेबसटा रहा से सिलेबस विषय टिके अधिक आम डिस्कशन करवा आगो सिलेबस सर माइंड रे थोड़ा सिलेबसटा जो प्रिंट हो गला ताहले आमे मन रखी था कि सबू आम कभर हो माइंड रे मन रखी थो कि कौटा कभर कली कौटा बाकी अच्छे मत कभर करवाकूँ कभर करदेली ताहले मोर क्वालिफिकेशन टा जल्दी जल्दी इजिली हो जाए तो मैथमेटिक्स सिलेबस रे कौन कौन रोचे गोटे रहा आरेथमेटिक जो थे कि एलसीएम एचसीएम आसीबो आउ कौन सब आसीबो रेशियो नंबर सिस्टम एवरेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से गुड़ा सब आसीबो तो से विषय भी डिटेल डिस्कस करवा
से विषय में कौन इम्पोर्टेंट अच्छे से कह तुमको तापर डिस्कशन करवा एलजेब्रा ठीक अच्छे। एलजेब्रा कौन कौन पॉलीनोमियल हला आउ प्रोग्रेशन मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो से गुड़ा भितर एत गुड़ा थी कि किसन जोटा कि एस से कभर करेंगुड़क से दब ही ना क्वेश्चन से पकेब ही ना तो से गुड़ाक आम कभर करवानी से गुड़ाक आम एक्सक्लूड करदे मेन्सुरेसन टू डी थ्री डी टू डी कौन कौन आ्री डी कौन कौन आर एज कौन अच्छे कौन कौन से विषय भी पूरा डिटेल डिस्कस करवा आउ सी जो गुड़ाक से एक्सक्लूड करा एक्सक्लूड करकेदेवि खाली इम्पोर्टाट ओनली इम्पोर्टाट डिस्कसन करवा जोटा कि एक्जाम निहाती भाव में आसपे स्टाटिस्टिक्स प्रोबिलिटी यार पसबिलिटी के तार पसबिलिटी के स्टाटिस्टिक्स जो ग्राफ अच्छी ग्राफ्र केमी क्वेश्चन आसगार भी किसी क्वेश्चन आसव आभरेज तार मीन मीडिया ये सब गुड़ा भी आसो तो से विषय भी पूरा डिटेल डिस्कसन करवा ओनली इम्पोर्टाट गुड़ा डिस्कसन करवा जोटा कि मुझे एति ग्यारंटी दे पारि कि से पांचटा कहूँ मिनिमम तीन टा पड़े चांसेस 100% अच्छे ठीक अच्छे। तो आरिथमेटिक्स जो रहा आरिथमेटिक्स जो जो इम्पोर्टाट सब्जेक्ट सब रोचे से सब्जेक्ट गुड़ा देख तार जो सिलेबस जो जो गुड़ा अच्छे से सब्जेक्ट गुड़ा हूँ गुड़ा हूँ नंबर्स रेसीओ एंड प्रपोर्सन स्क्वेयर रुट क्यूब रुट आवरेज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एचसीएफ एंड एलसीएम टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉफिट लॉस बैंकर्स एंड डिस्काउंट सिस्टम एंड पाइप सर्ट्स एंड इंडिसेस है। तो ये जो इतने गुड़ा सिलेबसेस अच्छे से खाली इम्पोर्टाट गुड़ा कहबी इम्पोर्टाट कहार अर्थ नंबर्स अच्छे नंबर्स जो नंबर नंबर सीरीज रोचे से गुड़ा कौन हम ना ये एमती क्वेश्चन जे ये टाइम टेकिंग ठीक अच्छे। मुझ सिलेबस यही जिनस गुड़ा आगे जनई दूसरी इंपे कि युवा आसुव मन को कि टाइम खाई आ रेसीओ प्रपोर्सन ये इजी ये टाइम टेकिंग नुहे जिते जल्दी हो पार से जल्दी कम्प्लीट हो पार स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी इजी ए दुटा भितर क्यूब रूटा टिके टाइम टेकिंग टिके शिखीगले सी भी जल्दी होवरेज भी इजी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये गोटे टाइम टेकिंग ठीक अच्छे। ये कौन कर प्रैक्टिस कर नाको प्रैक्टिस कर ना सिंपल इंटरेस्ट मे भी इजी हो पारे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आसीगले सी भी टाइम खाइब एच सी एफ एंड एल सी एम ये पूरा इजी थोड़े कहीदे मैंने से आ सब क्वेश्चन गुड़ाक टाइम एंड वर्क भी टिके टाइम टेकिंग एम कि कम टाइम टेकिंग थोड़े बुझीगले क्वेश्चन सी कम टाइम टेकिंग ये लेस टाइम दिस विल टेक लेस टाइम। सेकेंड है जो रहा आठ नंबर टाइम एंड डिस्टेंस ये भी वन्स कन्सेप्चुअली बुझीगले यार टाइम टेकिंग नुह ये स्कोरिंग मार्क ये गला प्रॉफिट एंड लॉस ये गोटे टाइम टेकिंग ये टाइम टेकिंग नवा सहित यार कौन प्रॉब्लम ना दिमाग खाइब ये है दिमाग खाइबा क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो टाइम टेकिंग प्लस दिमाग खाइबा तो या कौन कर ध्यान दब बैंकर्स एंड डिस्काउंट या क्वेश्चन आसो कि बेसी आसवन या कम इम्पोर्टाट दवा पढ़ले भी चलो न पढ़ले भी चलो डिस्काउंट लॉस प्रॉफिट ये तो समस्त को जाना अच्छे। सिस्टम एंड पाइप ये गोटे टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये हम टाइम टेकिंग मान गोटे टांकी रे पाइप दिखाई ऊपर पानी ढड़ा होती छोट पाइपटा अच्छे से अनुसार जब आम अधिक पानी ढाड़े और कम कम बाहर के समय फुल हम कि समय खाली हम यही टाइप क्वेश्चन गुड़ा मुझे कन्सेप्चुअली कहीदेला मैंने डाउट ही आसवन सर्ट्स एंड इंडिसेस या उपर क्वेश्चन आसे आसवन कहूनी आसे बट बहुत ही कम आसे। तो यही जिनस गुड़ाक आम पढ़वा कि कम कम पढ़वा जो जो गुड़ा इम्पोर्टाट से गुड़ाक आग अधिक टाइम देव नंबर्स फर्स्ट क्वेश्चन है निहाती पांचटा पाखापाखी क्वेश्चन आसो नंबर्स निहाती पांचटा मे भी ये पाँच रु दस पर्यंत भी जापे कि पांचटा पूरा ग्यारंटी दे कौन ये पांचटा क्वेश्चन आसो ही आसो रेसीओ इन प्रपोर्सन ये निहाती पांचटा आसो ये पांचटार ऊपर को जीवन पांचटार निहाती आसो। तो ये है इजी स्कोरिंग ये है टाइम टेकिंग बट अधिक मार्क आसवर चानसेस अच्छे क्यूब रुट एंड स्क्वायर रुट
ये कम मार्क रो आसीबो ये भी लेस देन 5 क्वेश्चंस आसीबो एवरेज ये निहाती 5टी क्वेश्चन आसीबो किंतु इजी क्वेश्चन आसीबो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी लेस देन 5 क्वेश्चंस ठीक अछि एचसीएफ एंड एलसीएम ये आसीबो निहाती 5टा क्वेश्चन ठीक अछि 5टा क्वेश्चन आसीबो 5 रु कम हे पारे ये एते भी माने बेसी आसीबो नि टाइम एंड वर्क एथरो भी आसीबो टाइम एंड डिस्टेंस एथिर भी क्वेश्चन आसीबो ये दीटा क्वेश्चन आसी पारे ये भी दीटा क्वेश्चन आसी पारे एमिति है कि प्रॉफिट एंड लॉस रु भी क्वेश्चन आसीबो प्रॉफिट एंड लॉस रु निहाती 5टा क्वेश्चन आसीबो मिसि कि प्रॉफिट एंड लॉस बैंकर डिस्काउंट ए दीटा मिसि कि केतरा क्वेश्चन आसीबो ना 5टा क्वेश्चन आसीबो तो ये भी हमर गोटे प्रकार इंपोर्टेंट सिस्टम एंड पाइप एंड सॉर्ट्स एंड इंडिसेस ए दीटा को मिसि कि 5 मार्क रो आसीबो ठीक अछि तो एमिते कि ओवरऑल ये 30 रु 40 भितरे रेंज करियो 30 ना निहाती रेंज करियो 30 मार्क एठु निहाती ही आसीबो माने ऊपर तर है कि 5 रु अधिक हो 5 रु कम हो एमिते है कि 30 मार्क हमरो एठी एलजेब्रा अरिथमेटिक रु ही मैथमेटिक्स रु अरिथमेटिक रु ही मिलियो बाकी दीटा जोटा रहिला बाकी दीटा रो हमरो 20 मार्क पखा बखिर आसीबो कोटा 3D एंड 2D आउ प्रोबेबिलिटी आउ रहला कौन एलजेब्रा आउ स्टैटिस्टिक्स याकु धरो ये 25 मार्क भी आसी पारे ये हमरो 20 होसी प्लस 5 ये हमरो माइनस 5 माने ये 25 मार्क एठी आसी पारे आउ ये आसीबो 25 मार्क तो हमकु इक्वली इंपोर्टेंस लेबर अछि से इंपोर्टेंस भीतर मु काढे के दे देली नंबर सिस्टम ए जति की रहिला एठी रहिला 12टा सिलेबस रो मेन मेन टॉपिक तो 12टा सिलेबस रो जो नंबर्स रहिला ए नंबर मु ओनली मेजरली जो जो क्वेश्चन गो प्रीवियसली आसी छि आ ए वर्ष आसीबार भी चांसेस अछि ओनली सेही क्वेश्चंस गो मु डिस्कशन करबी 10 रु 12टा जो थ्रू निहाती सेही क्वेश्चन ही आसीबो ठीक अछि बाकी जो गुडा भी अछि से गुडा रो खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा कारण आमो पाखरे टाइम अछि कम आ से कम टाइम भीतर जते मैक्सिमम रे मैक्सिमम स्कोर हे परियो सेटा को देखिबा हला ठीक अछि बुझैला तो नेक्स्ट सिलेबस रे जो मैथमेटिक्स रे टॉपिक हला एलजेब्रा अब एलजेब्रा रो कोन कोन आसु छि मु लिखि देबी फर्स्ट हला पॉलीनोमियल एलजेब्रिक आइडेंटिटीज एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तापर रहछि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जोटा कि आम कहू एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सिलेबस दिखे ता सहित एपी जीपी एंड एचपी एपी कहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक अच्छे तो ये जो रहला ये तीन टा भीतर हार्मोनिक प्रोग्रेशन टा हमरो आसे नहीं तो या को इंपोर्टेंट दबा दरकार नहीं ये दीटा भीतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भीतर ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अधिक रु अधिक क्वेश्चन आसीबो ये यदि 70% क्वेश्चन आसीबा ये आसीबो 30% क्वेश्चंस तो हमर इंपोर्टेंस ए दीटा भीतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो तार ऊपर हमें अधिक रु अधिक फोकस करबा तापर रहला लीनियर इक्वेशन जोटा हमर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एमिति रहला जोटा ए क्वेश्चन ऊपर किछु क्वेश्चन आसीबो इक्वल टू 0 एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटा गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक जो थे क्वेश्चन निहाती आसो जोटा रहा आम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर किसी भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू क्वेश्चन अधिक रु अधिक आसो तो एलजेब्रा रे आमको कौन कौन फोकस करार अच्छे ये दुटा को डिलीट कली आसो कि कम आस तापर एक्सप्रेशंस याठार भी कम आसो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आउ यनिटा जो रहा यनिटा जो सब्जेक्ट रहा यनिटा सब्जेक्ट रु बहुत क्वेश्चन आसो तेणु आम या अधिक फोकस करवा बुझेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूर बहुत क्वेश्चन आसो तापर सेकेंड रे आसो क्वाड्राटिक इक्वेशन क्वाड्राटिक इक्वेशन रु भी बेसी क्वेश्चन आसो तापर रहा लिनियर इक्वेशन एथरु भी
एमान को ठारु कंपैरिजन कम क्वेश्चन आसो बट निहाती भाव क्वेश्चन आसो बुझीगला। तो आम से कभर करवा वन बै वन सिलेबस जमी अच्छे सिलेबस को पढ़ीदे आम एस क्वालिफाई कर बुझीगला। तो सिलेबस रो नेक्स्ट पार्ट हूँ मैथमेटिक्स सिलेबस रो नेक्स्ट पार्ट हूँ मेन्सुरेशन जोटा कि आम कभर कर 2D आउ 3D एटी देखो 2D आउ 3D खाली मेन्सुरेशन लिखला 2D आउ 3D लिखला किंतु ए ट्रिग्नोमेट्रिक लिखी हाइट एंड डिस्टेंस लिखी 2D एंड 3D ए दुटा लिखी। तो ए मेन्सुरेशन खाली 2D एंड 3D कहीं लिखला बिकज ना ए दुटा मान भर यार वेटेज हूँ अधिका यार आसबार चान्सेस अच्छे अधिका। तो आम फोकस करवा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मुझे जी क्वेश्चन देखी मुझे जी एग्जाम देखी भितर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के आसीनी आसबार चान्सेस भी एत ना मे भी गोटे दुटा कौटी आसी से गोटेटा आसिले भी आम इग्नोर कर ट्रिग्नोमेट्रिकटा एम कंपेरिजन एत इम्पोर्टा नुह। तो या आम एवं डिलीट करवा बट जितेबाड़े पढ़ा से जो इम्पोर्टा से क्वेश्चन ही डिस्कस करदे और से क्वेश्चन रू नि आस बाकी रहा हाइट एंड डिस्टेंस यहीटा भी एत इम्पोर्टा नुह एज कंपेयर टू 2D एंड 3D। तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी ओनली इम्पोर्टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा ओनली इम्पोर्टा गुड़ाक डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी हटा एवं रहा 2D एंड 3D ये गोटे एमती सब्जेक्ट जोटा कि डिसाइड कर तुम्हें एएसओं योग्य कि नुह ठीक अच्छे। तो यही जीक रहा मेन्सुरेशन 2D 3D भितर 2D एंड 3D टा इम्पोर्टाट अच्छे। तो 3D रे आम वॉल्यूम कैलकुलेशन हो तार मेजरली वॉल्यूम कैलकुलेशन जो गुड़ा सब युवा माग 2D रे एरिया हो कि पेरिमीटर हो से विषय माग। तो आम कौन करवा या डिटेल कवर कर जो कि खाली इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आम कर ठीक अच्छे। आउ ये 2D एंड 3D रहा 2D एंड 3D दीटा को डिटेल कवर कर मीनिंग है कि यहाँ को मुझे एमती कनसेप्चुअली बुझेदेवि यार फर्मुलाज गुड़ा को भी डिटेल कहीदेवि आ फर्मुला के भूली पारे एमती भाव कह कनसेप्ट माइंड रही। तो ध्यान देख यू आम पूरा डिटेल पढ़ेला बेले टी मन ध्यान दे देख तो फर्मुला गुड़ा भी मन रहा एस नुह बाकी एग्जाम गुड़ाक भी इजी हो। सेकेंड कथा मुझे जल्दी जल्दी कहूँ बिकज आम पाखे टाइम कम अच्छे आर एत चिंताधारा अच्छे कि एबे जो मैंने एस देवे माइंड में एति तो अच्छे से मैंने जल्दी जल्दी जिनसटा को बुझीपर ताप जो जगह जो डाउट हम से जगार तुम कमेंट करश्चन करके मत पचारिपर बुझेगा। मैथमेटिक्स रो लास्ट सिलेबस जो दुटा रहा स्टैटिस्टिक्स आउ प्रोबेबिलिटी मु यही दुटा सब्जेक्ट सामने स्टार मार्क लगे यार गोटे स्टार मार्क लगे आईटार दीटा स्टार मार्क लगे कहीं मु एग्जाम यार एग्जाम यार क्वेश्चन पेपर बहुत थोर एनालिसिस करे प्रोबेबिलिटी बहुत गुड़ा क्वेश्चन पड़ुछे बहुत ही गुड़ा क्वेश्चन पड़ुचे। तो प्रोबेबिलिटी को एमती भल भाव क्लीयर करके बुझीजार अच्छे तापर यार जी मार्क आसब सब गुड़ा ठीक हम कौटा भी भूल हम बेसी रू बेसी मार्क आम प्रोबेबिलिटी भी आनीपर। स्टैटिस्टिक्स तीन चारिटा मेन मेन क्वेश्चन अच्छे से तीन चारिटा मेन मेन क्वेश्चन गुड़ाक सब उठे पकाचे मैंने से टाइप एमती नहीं कि प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पकई दूसरी मैंने सेमती जो पैटर्न प्रिवियस ईयर पढ़ला नेक्स्ट ईयर भी सेमती पैटर्न ही पकेब। स्टैटिस्टिक्स मेजरली से कौन कवर करुचे ना मीन मीडिया एंड मोर। सो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दिस थ्री मेन टॉपिक्स बुझेला ए तीन टा टॉपिक जदि हमें भल से बुझे देले भल से बुझी गले ताहले हमरो स्टैटिस्टिक्स रे जति की क्वेश्चंस आसीबो सब गुडा को हमें कवर करि पाइबा ओके बुझेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कौन अच्छी ना दीटा मेजरली दीटा अच्छी तीन प्रकार क्वेश्चन आसो मुझा डिटेल बुझेबी। तो ये सिलेबस अनुसार मुझे ओवरलुकटा आउटलुकटा दे दूसरी गोटे आसला कॉइन टॉस जोटा कि आम गोटे टाटे दीटा गोटे टॉस कले हेड टेल केमी कौन आसारी उपर क्वेश्चन आसव। सेकेंडली जो आम डाइस रहा जो आम लडु गुटी कहते लडु गुटी को ताकू टॉस करिबा तार केतरा अछि हेड तार एमिति अछि छोटा नंबर रहै छै 1 2 3 4 देख के एमिति छोटा फेस छोटा नंबर रहै छै याकू नै के तार क्वेश्चन आसीबो एडा निहाते भबर आसीबो एथिर क्वेश्चन आसीला कोइन क्वेश्चन आसीला। नेक्स्ट रहला कार्ड्स कार्ड्स समस्त जानथियो समस्त तास खेलथियो। तो एही कार्ड्स जो यार रहला 1 रु 52 जाय नंबर्स कार्ड रहिले 1 2 हे कि एमिति ए के क्यू जे सब इनक्लूडेड यही तीन टा क्वेश्चन रु प्रोबेबिलिटी रो अधिक रु अधिक क्वेश्चन आसो है। प्रोबेबिलिटी जमी इवेंट अकरिंग नॉन अकरिंग तार ऊपर क्वेश्चन आसो मुझे मेजरली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करी जो गुड़ा पढ़ी आगुड़ा आग को पढ़ से गुड़ाक डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो एबे कौन करिबा ना आमे आज सिलेबस है मैथमेटिक्स मुझे खाली सिलेबसटा कहीदेली। तो तापर आमे कौन करिबा ना काली ठारु थियोरी वन बाय वन कर चलिबा थियोरी सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मुझे डिस्कस करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित आम कौन करिबा ना नेक्स्ट ईयर जो आसंता एग्जाम रे आमर कौन कौन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गुड़ा पड़ुछे से क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करदेबा और से क्वेश्चन गुड़ाक मुझे एमती भाव डिस्कसन करी मन रखी था सीटा निहाती भाव पड़ो बुझे समस्ते। ये जो तीन टा रहा मुझे गोटे प्रोबेबिलिटी तीन टा पार्ट कही सहित आ गए ये जो रहा गोटे कॉइन गला डाइस गला आ गए आम कौन रही कॉइन डाइस एंड कार्ड गोटे रहा ठीक अच्छे। तो एम को छाड़ी आउ गोटे पड़ी गोटे बकेट रे रेड बॉल व्हाइट बॉल ब्लू बॉल एमती बॉल गुड़ा रोचे तो तार ड्रॉइंग प्रोबेबिलिटी अर्थ एम गोटे रेड बॉल उठेबार प्रोबेबिलिटी कि एम भर गोटे ब्लू बॉल उठेबार प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट बॉल उठेबार प्रोबेबिलिटी तार ऊपर क्वेश्चन आसुचे। तो आमर यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक भल भाव देखीदे प्रोबेबिलिटी सब क्वेश्चन आम कवर हो ठीक अच्छे बुझेगा। तो आज आज है इंट्रोडक्शन क्लासेस इंट्रोडक्शन क्लासेस जीक मैथमेटिक्स सिलेबस सब डिटेल मुझेदी ता सहित आज कौन करवा ना आम या पर आम वन बाय वन डिटेल सब सार आर सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक भी भलसे करवा जी भी सिलेबसटा को भलसे पढ़े नहीं जाने था सी के क्वालिफाई करें मुझे सिलेबसटा कहली माइंड रे गोटे प्रकार प्रिंट हो गला कि मत कौन कभर करार अच्छे आँ कौन छाड़बार अच्छे मेन कथा है एग्जाम प्रिपेरेसन बेले जड़े जदि जापर कि कौनटा को छाड़ी पारि कौनटा को छाड़ीदे भल हम आउटा को छाड़े मोर मार्कटा कमी से जिनसा जब जाणीदेली तेल मोर मार्कटा अधिक रु अधिक आसो अधिक आसे मुझे बाकी पिलाठार आपको पढ़े। तो प्रिपेरेसन रेन मिनिंग है से कि मुझे कौनटा छाड़ी पारि कौनटा इनक्लूड करी आर सेमती या पढ़ेबार कि बुझेबार मिनिंगटा ये है कि मुझे एएसओ एग्जाम दे मुझे जाने केमी क्वेश्चन आसूचे एएसओ क्वालिफाई भी करा मुझे खाली बुझेवाक चाहिए मोर एक्सपीरियंस सेयार करने को चाहिए कि मुझे कौन करी आ तुम मैंने कौन कले क्वालिफाई करपर तो से जिनसा ध्यान रखा जिते बड़े डिटेल पढ़वा डिटेल मुझे कहीदेवी खाली इंपोर्टेंट गुड़ा कहीदेवी से इंपोर्टेंट गुड़ाक आम ये कवर करवा निजे प्राक्ट कर किसी डाउट हेल्ला मत फोन करके बुझ कि मत जमीते कंटाक्ट कर फेसबुक भी मुझे अवेलेबल अच्छे मत जमीते कंटाक्ट कर डाउट गुड़ाक मुझे डिटेल क्लीयर करदे पारि ठीक अच्छे बुझेगा।